सो लिसन वेरी केयरफुली, लास्ट टाइम काफी सारा डिटेल में डिस्कशन हुआ था इंटरफेरेंस के बारे में. अब हम लोगों को इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स देखना है, थिन फिल्म्स. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही गौर से यहाँ पे चीजें देखेंगे, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए. यहां पर हमारे पास एक थिन फिल्म है. थिन फिल्म किसकी, किस चीज की थिन फिल्म? यह है एक्चुअल में इंजन ऑयल जो के जमीन पे पड़ा हुआ है. उस इंजन ऑयल में हमें कुछ कलर्स नजर आते हैं. ध्यान से सभी लोग सुनेंगे तो आप लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी, बिकॉज इसको मैं बहुत ही इजी करके समझाने वाला हूं, तो आपको डेरिवेशन आज के आज अभी कभी याद हो जाएगा. थोड़ा मेरा साथ दीजिए, एंड वैसे भी आप लोग बीच बीच में कुछ चीजें बोलेंगे तो हो सकता है मेरा ध्यान भटक जाए एंड मैं मिस्टेक्स करूं, एंड मैं मिस्टेक्स करना नहीं चाहता. तो सभी लोग बहुत ही गौर से देखिएगा बच्चा. तो इंजन ऑयल रस्ते पे पड़ा हुआ है, उस इंजन ऑयल के अंदर कलर्स नजर आ रहे हैं. तो वो कलर्स क्यों नजर आते हैं ये बात अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इंजन ऑयल की ये एक लेयर है, एक लेयर, लिक्विड लेयर, जो इंजन ऑयल है उसकी लेयर है, लेयर ये. अब सन, सूरज चमक रहा है आसमान में, सन आसमान में चमक रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसकी रोशनी आएगी. तो सन की रोशनी आके यहां गिरी, सन की जो रोशनी है, आई होप आप लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से. सन की जो रोशनी है, वहां से सन की जो रोशनी है आके यहां पे गिरी. अब ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सभी लोग जानते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइट बेंड होगी क्योंकि हवा से लाइट जा रही है लिक्विड में, एंड लिक्विड की ऑप्टिकल डेंसिटी नॉर्मली हवा से ज्यादा ही होती है, हवा से नॉर्मली उसकी डेंसिटी ज्यादा ही होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी. हवा रेरर मीडियम है, ऑयल डेंसर मीडियम है, तो लाइट बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, एंगल छोटा हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लाइट आके यहां गिरी. लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. आपको क्या लगता है कि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहां पे? रिफ्लेक्शन भी होगा, तो कुछ लाइट थोड़ा टूट कर यहां भी जाएगी. सो ये कुछ लाइट चली गई, ठीक है? कुछ लाइट जो है अंदर गई, रिफ्रैक्शन हुआ, कुछ लाइट बाहर गई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. अब ये लाइट जो यहां गिरी, इसके साथ भी वैसा ही कुछ होगा, ध्यान से देखते रहिए. तो ये जो लाइट गिरी है, थोड़ा अंदर आएगी वापस रिफ्लेक्ट होके, और जो थोड़ी सी लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगी. कहां जाएगी? बाहर, रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगी. लाइट आई, बैंड हुई, फिर बैंड हुई. ये एंगल बड़ा कैसे हो गया अचानक में? क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, और रेयर मीडियम में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंस मीडियम में लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो लाइट जा रही थी ऐसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई. डेंस मीडियम में लाइट जा रही थी ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेयर मीडियम में. समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को? इसके साथ क्या होगा? सेम कहानी, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा. थोड़ी लाइट निकलेगी बाहर और थोड़ी लाइट रहेगी अंदर. अरे अंदर आएगी ना भाई, थोड़ी लाइट, हाँ क्या ना? इसके साथ क्या होगा? सेम चीज. थोड़ी लाइट निकलेगी बाहर और थोड़ी जाएगी अंदर. अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? आर द नंबर्स रोलिंग इन दिस? इज दिस थिंग विजिबल? सो लिसन, आप बहुत मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. यहां से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे भूल जाओ. ये दो रेज और ये दो रेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस दो रे पे एक डेरिवेशन है और इस दो रे पर एक डेरिवेशन है. दो डेरिवेशन है, एक इसका है और एक इसका है.
इस वाले का जो डेरिवेशन है वो भी मैं अभी मैं कर रहा हूं, अभी ये वाला अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो है पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस होने वाला है, पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लाइट आई चली गई, अंदर घूम फिर के आई फिर से चली गई, तो ये रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन सरफेस पे से हो रहा है रिफ्लेक्शन। और जो पार होके हो रहा है इंटरफेरेंस, पार होके उसका नाम है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन पार हो गया ना, पूरा पार हो गया, खाली अंदर अंदर कुछ हो रहा होता तो रिफ्रैक्शन वाला कुछ बोलते, लेकिन रिफ्रैक्शन नाम नहीं देंगे यहां पे नाम देंगे ट्रांसमिशन। तो ये इंटरफेरेंस है कौन सा वाला, रिफ्लेक्शन वाला, ये है ट्रांसमिशन वाला। ट्रांसमिशन वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस। बहुत ही ध्यान से सभी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस होता कैसे है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो लिसन, यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊं, सुनो, मैं यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, समथिंग लाइक दैट, एक परपेंडिकुलर बना दिया। अरे हाँ क्या ना, अब मैं ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसी को भगा रहा हूं, इसे हमारे किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि तो नेक्स्ट डेरिवेशन में काम आएगा, अगले डेरिवेशन में काम आने वाला है भाई, यहाँ काम आने वाला नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा रहा हूं, हमारे काम की सिर्फ ये चीज है अभी। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं ए, इसका नाम बी, इसका नाम डी, और ये कुछ तो एम रख दे रहा हूं, सम परपेंडिकुलर जस्ट लाइक दैट। ओ सॉरी, लेट मी कॉल दिस एज सी, सीक्वेंस में अच्छा लगता है, तो ए बी सी डी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अब आगे जरा सुनिए ध्यान से, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रे जो हैं, इनकी इसके आगे की लंबाई सेम है, अरे इस बंदे के आगे की लंबाई सेम है, तो वो लंबाई से मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस तो होता है पाथ डिफरेंस की वजह से, यहां पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसके आगे, इसके आगे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वाली रे इस वाली रे से बड़ी है, कितना, इतना बड़ी है, तो ये है पाथ डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस, समझ रहे हैं? अरे यहां से आगे तो दोनों बराबर है, अगर सुनेंगे तो गारंटीड समझ में आएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। इस लाइन के आगे, इस लाइन के आगे, पॉज कर दीजिए, सो लिसन, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, यहां पर बेटा शांत हो जाइए, बच्चा लोग अटेंडेंस लगती रहेगी, आप शांत हो जाइए। ये वाली जो लाइट की रे है ये इससे लंबी है बाय दिस मच अमाउंट, ये अमाउंट ही इंटरफेरेंस करवाएगा। अच्छा, अब आप ये क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे सवाल कि सर ये वाली रे एक्चुअल में इससे लंबी है, कैसे, क्योंकि ये पूरा घूम फिर के और लंबा रास्ता लेके आई है, ये पूरा लंबा रास्ता लेके आई है, और वो भी ऐसी जगह पे जो कि ज्यादा डेंस है। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जबकि हवा का सिर्फ वन है, और म्यू हमेशा वन से बड़ा होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वन से बड़ा होता है, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से हमेशा बड़ा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? बातें सब लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सो लिसन, पाथ डिफरेंस निकालें तो निकालें कैसे, इसका जो, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है ए बी प्लस बी सी। अरे एक्स्ट्रा पार्ट, इस रे का एक्स्ट्रा पार्ट है ए बी प्लस बी सी, लेकिन वो भी हवा में नहीं है, किसी और मीडियम में, तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ किसी और मीडियम में कवर किया, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्टिकल पाथ कहलाता है, ऑप्टिकल पाथ। ये हो गया इसका बड़ा वाला पार्ट, और इसका बड़ा वाला पार्ट कितना है, एडी, एडी। अरे इसका एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, एडी, लेकिन ये है हवा में, तो हवा से मल्टीप्लाई कर दीजिए वन से, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है। अरे कांच में चल रहे हो, पानी में चल रहे हो, तो पानी का मल्टीप्लाई करो, हवा में चल रहे हो तो हवा से मल्टीप्लाई करो, हवा वाला मल्टीप्लाई करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यही है पार्ट डिफरेंस। लिसन वेरी केयरफुली, चल रहे हो हवा में तो हवा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, चल रहे हो पानी में तो पानी वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, इन दोनों को माइनस क्यों कर रहे हैं? लिसन, कोई अगर एक ही बंदे का पाथ मतलब बड़ा होता है तो उसी का पाथ डिफरेंस ले लेते, लेकिन एक बंदे का पाथ है एक का, दूसरे का भी कुछ है, तो दोनों को घटा के जो मिलेगा वो पाथ डिफरेंस है। समझ में आ रहा है?
अबे अकल के बुद्धलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रे से आगे है ये वाली रे इतना, लेकिन ये वाली रे इस वाली रे से इतना आगे है। तो असलियत में कौन कितना आगे पता कैसे चलेगा? इसका एक्स्ट्रा पार्ट उसका एक्स्ट्रा पार्ट माइनस करके मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली बेटा, ध्यान से सुनिएगा। लिसन, म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस वन इंटू ए डी, राइट? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली बेटा, आप लोगों को सुनना है, ध्यान दीजिए बेटा। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी, राइट? तो ये जो है, अब हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू। ये तीनों चीजें कैलकुलेट किए बिना आंसर आने वाला नहीं है। तो पाथ डिफरेंस, अच्छा अच्छा लिसन, अब ये पाथ जो डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस अगर हो जाए 2n लैम्डा बाई 2 जितना, याद आ रहे हो 2n लैम्डा बाई 2 या n लैम्डा जितना हो जाए, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा तो ब्राइट मिलता था, फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जितना रहा तो डार्क मिलता था, मतलब डेढ़ लैम्डा ढाई लैम्डा ऐसा कुछ था, याद आ रहा है? गुड, नहीं याद आ रहा तो पिछला वापस से रिवाइज कर लीजिए। बट एनीवे, बट यहां पे कुछ चीज और एक मिसिंग है। क्या मिसिंग है जानते हैं? ये इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन से हो रहा है। किससे हो रहा है? रिफ्लेक्शन से। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो हमारे स्टोक्स चाचा पिक्चर में आ जाते हैं। स्टोक, स्टोक ने एक लॉ दिया है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। लोग यूपी में जब लड़ाई होती है या बिहार में, तो लोग धमकी देते हैं, चाचा विधायक हैं हमारे, और हम लोग धमकी देते हैं चाचा वैज्ञानिक हैं हमारे। तो हमारे चाचा स्टोक्स चाचा, इन्होंने कहा कि जब भी लाइट हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करती है, हार्ड बाउंड्री मतलब अगर रेयर मीडियम में चल रही थी, डेंस मीडियम में टकराती है, डेंस मीडियम पे टकराती है, तो उसका जो फेज है ना 180 से चेंज हो जाता है। 180 कितना? 180 उसका लैम्डा पलट जाता है। सुनो, लैम्डा पलटने का मतलब क्या है कि अगर क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ चल के आ रहा था तो जो भी फेज था उसका उल्टा हो जाएगा आते वक्त, तो आते वक्त उल्टा हो जाएगा। इसे कहते हैं लैम्डा का पलट जाना या फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाना रिफ्लेक्शन की वजह से। यहां पे ऐसा होगा तो इस रे में वो आ जाएगा डिफरेंस, लेकिन इस रे में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चल रही थी डेंस में और रेयर पे टकरा रही, हार्ड बाउंड्री नहीं है, सॉफ्ट बाउंड्री है, तो यहां पे फेज चेंज नहीं होगा। अगर दोनों में ही चेंज हो जाता, इसमें भी, तो वापस से इनिशियल कंडीशन आ जाती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली रे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना यहां ना यहां, दोनों ही सॉफ्ट बाउंड्रीज हैं। अरे किसमें चल रहे हो? डेंस में टकरा रहे हो रेयर पे, चल रहे हो डेंस में टकरा रहे हो रेयर पे, दोनों में भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, लेकिन इसमें हो जाएगा। लेकिन कौन आगे कौन पीछे अभी हमें पता नहीं, तो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 लिख रहा हूं मैं, आधा लैम्डा का फर्क आ जाता है। स्टोक ने बताया है कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहे हो और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ तो आपको प्लस लैम्डा बाई 2 या हाफ लैम्डा बाई 2 कर देना है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। तो मैंने यहां पे प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 लिख दिया। अब ये एक्चुअल पार्ट डिफरेंस बना है, टोटल अब कंप्लीट हो चुका है। अब यही चीज अगर हो जाए मेरा 2n लैम्डा बाई 2 जितना, तो मुझे मिलेगा ब्राइट, और यही चीज हो जाए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जितना तो हो जाएगा डार्क। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? पाथ डिफरेंस ही तो होना चाहिए ना इतना यार, तभी तो इंटरफेरेंस होता है। तो इतना हो गया तो ब्राइट, इतना हो गया तो डार्क। डार्क मतलब जिस कलर के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। मैं देख रहा हूं इस एंगल से उस इंजन ऑयल को, जो कलर के साथ भी ऐसा हो रहा होगा डार्क वाला पार्ट, वो कलर गायब, वो कलर मुझे दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो कलर के साथ ये वाला हो रहा होगा वो मुझे दिखाई देगा, इसलिए उसके अंदर सारे कलर दिखते नहीं है, इंजन ऑयल में कुछ कलर दिखते हैं। तो जिस जिस कलर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो दिखेगा, जो जो कलर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो नहीं दिखेगा। तो तीन चार कलर दिखते हैं, तीन चार कलर नहीं दिखते हैं, ठीक है, इट्स लाइक दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं अकल के पुतलो? नाउ लिसन, ये सब तो आगे की कहानी है, हमें तो मेन इसे सॉल्व करना है, ए बी बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है इसकी चौड़ाई, इसका कुछ नाम रख दें, टी टी नाम रख देते हैं।
अरे जो लेयर की थिकनेस उसका नाम रखते हैं टी। तो ये जो बी एम है, बी एम ये भी टी हो गया। इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी हाँ ए एम बी, ए एम बी, ए एम बी, लिसन गलत नाम मत बोलो, ए एम बी, इस ट्राइंगल में आ जाओ। तो अगर मैं इसे कहूं, लिसन लिसन शांत हो जाइए, इसे कहूं आर एंगल तो गलत नहीं होगा, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। व्हाट विल बी कॉस आर? कॉस आर क्या रहेगा? कॉस आर रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो एडजेसेंट कितना है? एम बी। हाइपोटेन्यूस कितना है? ए बी। सो देयरफॉर देयरफॉर लिसन 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 शांत हो जाइए, ए बी की वैल्यू चाहिए ना। सो ए बी हो जाएगा एम बी बाई कॉस आर। कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा एम बी बाई कॉस आर। अब एम बी है कितना? टी, टी बाई कॉस आर। समझ गए? फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर यू कैन सी दैट ए बी एंड बी सी दोनों बराबर है। सो जो वैल्यू ए बी की है वही बी सी की भी है, टी बाई कॉस आर, करेक्ट? तो ये वाला पार्ट तो अपने को आ गया। अरे इतना पार्ट हो गया सॉल्व, इसकी वैल्यू पता चल गई। इसे कहेंगे इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है। इसे कहेंगे इक्वेशन टू। अरे बाद में सब्स्टिट्यूट करना है ना भाई, सब्स्टिट्यूट करना है ना बाद में। एडी कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड एडी? एडी के लिए जाहिर सी बात है इस ट्राइंगल में घुसना होगा, इस ट्राइंगल में घुसना होगा ना एडी निकालने के लिए। अरे समझ पा रहे हैं भाई कि नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को आप लोग? सो लिसन, ये एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? आई। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, आई और आई। तो ये रहेगा 90 माइनस आई और ये रहेगा आई, क्यों? क्योंकि ये 90 है। अब ये 90 है ना, टोटल मिला के 180 होना चाहिए, टोटल मिला के 180। तो 180 में से 90 तो इसने खा लिया, अब बचा 90, 90 में से 90 माइनस आई इसने खा लिया तो बचा आई। समझ रहे हैं? तो ये आई है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हाट इज साइन आई? साइन आई की वैल्यू बोलो कितना रहेगी? साइन आई की वैल्यू बोलो, साइन आई, करेक्ट, एडी अपॉन एसी। कौन बोल रहे हैं? राइट बोल रहे हैं आप, मिस अमरा। सो एडी अपॉन एसी, या फिर एडी इज एसी साइन आई, बराबर है। एडी की वैल्यू निकालना है भाई, एडी की वैल्यू निकालना है। एडी हो जाएगा एसी साइन आई। अब एसी खुद क्या है? लिसन लिसन, एडी एसी खुद क्या है? एसी, एसी इज नथिंग बट टू टाइम्स एम, टू टाइम्स एम। अबे दो बार एम ले लोगे तो एसी बन जाएगा, तो टू टाइम्स एम साइन आई। एडी इज टू टाइम्स एम म्यू साइन आर। कैसे लिखा ये? साइन आई को म्यू साइन आर कैसे लिखा? साइन आई को म्यू साइन आर कैसे लिखा? लिसन लिसन शांति से सुनिए, साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। अरे स्नेल्स लॉ, अकल के पुतले, स्नेल्स लॉ भूल गए क्या? स्नेल्स लॉ। सो बेसिकली साइन आई की जगह पे लिखा मैंने म्यू साइन आर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब ये जो वैल्यू है इसमें एम कैसे निकालेंगे? एम भी तो निकालना है तभी तो एडी आएगा। एम कैसे निकालेंगे? एम के लिए फिर से इस ट्राइंगल में जाएंगे, इस ट्राइंगल में फिर से जाएंगे एम निकालने के लिए। सो लिसन, इन ट्राइंगल ए एम बी साइन आर कितना होगा? साइन आर कितना होगा? एम, एक सेकेंड एक सेकेंड, डोंट टेक साइन आर। वाई? बिकॉज ए बी की वैल्यू काफी लंबी चौड़ी है एंड वी डोंट नो दैट येट, बट दिस वैल्यू वी नो वेरी इजीली। सो टेन आर निकालिए, टेन आर, टेन आर कितना होगा? अरे ए बी बी सी की वैल्यू है अपने पास, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा इजी है ना एम बी की, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला क्या होता है? टैन होता है ना, तो टैन आर क्या होगा? एम अपॉन
बीएम। सो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अरे एम की वैल्यू चाहिए ना भाई। सो एम की वैल्यू हो जाएगी बीएम टेन आर, लेकिन बीएम कितना है, टी है, टी, तो टी टेन आर हो जाएगा। एम की वैल्यू टी टेन आर। अरे हाँ के ना कल के पुतलो, तुम लोग समझ पा रहे हो बेटा मेरी बातों को? एम की वैल्यू टी टेन आर आ गई, टी इंटू टेन आर। अब एम की वैल्यू जब आई गई है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर एडी की वैल्यू आ चुकी है हमें, एडी इज टू इंटू एम टू टी टेन आर। टेन आर यहां पे लिखेंगे ना, टेन को मैं साइन अपॉन कॉस लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोग को? इंटू म्यू इंटू साइन आर बराबर है 2 इंटू एम, एम क्या है टी टेन आर है, टेन आर को मैंने साइन आर बाई कॉस आर लिखा, लेकिन यहाँ पे म्यू भी है और साइन आर भी है, इज दैट करेक्ट? तो अब एडी की वैल्यू आ चुकी है जिसे हम कहेंगे इक्वेशन 3, लेकिन एक सेकंड, इक्वेशन 3 डालने से पहले एडी इक्वल्स टू 2 टी साइन स्क्वायर, एक सेकंड, 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर, इक्वेशन 3। अब कोई अंधा भी देख के बता देगा मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं मैं, इक्वेशन 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। ये नीचे दिख रहा है क्या वीडियो में, देखो ध्यान से सब दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है? कहां लिखूं, ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, नीचे लिखूं? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, डेल्टा इज म्यू टू टी बाई कॉस आर, कैसे लिखा ये, ए बी की वैल्यू भी टी बाई कॉस आर, बी सी की वैल्यू भी टी बाई कॉस आर, तो टू टी बाई कॉस आर, समझ गए? फिर माइनस माइनस यहां पे क्या है, टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर, करेक्ट है? इन सब में से कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉमन क्या निकलेगा, एक सेकंड, ये बाकी है, ये लिखना भूल गया मैं, प्लस माइनस लैम्डा बाई टू, अरे भाई लिखना है वो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, नहीं नहीं टू म्यूटी पूरा बाहर आएगा, टू म्यूटी और कॉसार पूरा बाहर आएगा, टू म्यूटी बाई कॉसार बाहर आएगा, अंदर हो जाएगा वन माइनस कॉस, वन माइनस साइन स्क्वायर आर, ये हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, टू म्यू टी अपॉन कॉसार बाहर आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भूलना नहीं है, प्लस माइनस लैम्डा बाई टू, अरे हाँ के ना, यहां लिखूं दिखेगा? सो डेल्टा इज टू म्यूटी बाई, सॉरी टू म्यूटी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई टू आ गया, कैसे आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर में से एक कॉस नीचे से कैंसिल, एक कॉस बचा, तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई टू, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, और ये पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई टू अगर हुआ 2n लैम्डा बाई टू तो हमें ब्राइट मिलता है ना, और 2 म्यू टी कॉस आर अगर हुआ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई टू तो हमें मिलता है डार्क। तो ये कंडीशंस आ चुकी है हमारे पास, ये इंटरफेरेंस की कंडीशन है, लेकिन लिसन इसको मॉडिफाई करके भी टेक्सट बुक में आगे दिया गया है, थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई क्या करना है, खाली लैम्डा बाई टू को इधर ले आना है, अरे यहाँ पे भी लैम्डा बाई है ना भाई, लैम्डा बाई टू है ना यहाँ पे, तो बस खाली मॉडिफाई कर देना है, लेकिन फिर थोड़ा सा उल्टा दिखने लगता है, उल्टा दिखता है। सुनो इधर देखो, ब्राइट के लिए क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इस लैम्डा बाई टू को यहां ले आऊं, अगर मैं इस लैम्डा बाई टू को यहां ले आऊं तो एक कैसा दिखता है, देखो टू म्यूटी कॉस आर is 2n plus minus 1 lambda by 2, तो bright और 2 mu t cos r equals to 2n lambda by 2, तो dark, ये ऐसे कैसे हुआ, कैसे हुआ ऐसे, यहां पे लाने के बाद वहां ले गए, मतलब यहां से वहां ले गए और कॉमन ऑमन निकाल लिए, तो आपको 2n minus 1 या plus 1 ऐसा मिल सकता है, समझ रहे हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, तो 2n माइनस 1 ले लेते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 तो ब्राइट है और 2n लैम्डा बाई 2 है तो डार्क है, इसमें से भी एक ले लेते हैं, एक कोई भी एक ले लेते हैं, लेट्स से माइनस वाला हो जाके प्लस होएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, खाली 2n लैम्डा बाई 2 बचेगा, अरे खोपड़ी में तुम्हारी बातें घुस रही हैं,
समझे क्या नहीं समझे? और अगर तुम सोच रहे हो कि सर सर ऐसे कैसे आपने कोई भी एक चुन लिया, हमको नहीं चाहिए, हमको ये भी चाहिए, प्लस वाला लो, ले लो प्लस वाला, प्लस वाला लो उधर लेके जाओ, माइनस लेगा, माइनस माइनस मिलके ये हाफ और हाफ वन लैम्डा बन जाएगा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अरे वन लैम्डा तो वैसे ही हो गया ना, अरे वन लैम्डा तो ये है ही, और एक वन लैम्डा जुड़ जाएगा। अरे वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा वो तो होता ही है ना फॉर्मूले में, क्या फर्क पड़ेगा? खोपड़ी में बातें घुसी तुम्हारे के नहीं समझ पाए? तो ये कंडीशन है आपके, समझो इस कंडीशन को, ये कंडीशन जो कलर सेटिस्फाई करेगा वो दिखेगा, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कंडीशन ये वाली तो वो नहीं दिखेगा। लिसन, जो हम लोग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग में कंडीशन देखा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला कंडीशन देखा था स्टार्टिंग में, वो कंडीशन इसका उल्टा था। ब्राइट में आ रहा था 2n लैम्डा बाय 2 और डार्क में आ रहा था 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, है ना, उसका उल्टा हो गया। उल्टा सिर्फ इस वजह से हुआ है, ये हाफ की वजह से, हाफ लैम्डा की वजह से ये एक्स्ट्रा पार्ट आया है ना। अबे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो हमने देखा ये क्या था? ये था इंजन ऑयल के अंदर दिखने वाले कलर्स। लेकिन कलर सिर्फ इंजन ऑयल में नहीं दिखते, बल्कि आपको याद होगा रास्ते पे एक बेचारे अंकल खड़े होते हैं अपनी मेहनत से कमाई करते हुए, छोटा सा ब्लैक कलर का प्लास्टिक का डब्बा लिए हुए जिसमें साबुन का पानी होता है, और वो एक लूप लेते हैं उसमें डुबाते हैं, फूंक मारते हैं, उससे बबल्स बनते हैं, जिसको आप उछल उछल के ताली मार के तोड़ते हो, फोड़ते हो बबल्स को, उसमें भी कलर्स नजर आते हैं। तो बबल्स जो रहते हैं बबल्स, उसमें जो इंटरफेरेंस होता है वो निकली हुई लाइट से होता है, निकली हुई लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट से नहीं, उसमें होता है ट्रांसमिटेड लाइट से। यहां पे दिख रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट से, रिफ्लेक्शन वाली लाइट से, किसमें? इंजन ऑयल में। लेकिन इसमें दिखता है ट्रांसमिशन वाली लाइट से, ट्रांसमिशन। तो बबल के पीछे लाइट आई, घुस के घूम फिर के इंटरफेरेंस की और हमारी आंखों में घुसी, तो ट्रांसमिशन वाली लाइट से दिखता है इंटरफेरेंस। तो ट्रांसमिशन लाइट से दिखने वाला इंटरफेरेंस हम लोग करेंगे अगली बार, ठीक है? चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।